लोगों को शौकिया तौर पर खरगोश पालते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन खरगोश पालना गढ़वाल के लोगों का शौक नहीं बल्कि कारोबार बन गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों ने खरगोश पालन अपनाकर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने की कामयाब कोशिश की है। ये लोग अपनी मेहनत और सरकारी मदद के दम पर अपनी प्रगति की कहानी आप लिख रहे हैं। इनकी इस प्रगति का आधार है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसी योजना के अंतर्गत उत्तरांचल अंगोरा ऊन विकास परियोजना चलाई जा रही है। अंगोरा परियोजना का लाभ उठाकर यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हजारों रुपए महीना कमा रही हैं। इस हफ्ता से बहुत फायदा मिला है। इससे पहले मैं घर का ही काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन खर्चा नहीं चल पाता था। अब अच्छा खर्चा चल रहा है, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, घर का खर्चा भी अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ आया, इन लोगों ने मेरे को ट्रेनिंग दिलवाई। मैं दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम सवेरे बड़े खरगोशों को देखता था। मेरे बच्चे भी मेरे साथ काम करते थे और मेरी प्रोग्रेस इतनी ज्यादा हुई कि टिहरी जिले में मेरे से ज्यादा इस संस्था से कोई पैसा नहीं ले गया होगा। ये योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए बनाई गई है। प्रत्येक ब्लॉक से ऐसे लोगों की सूची मंगाई जाती है जिनको इस परियोजना का फायदा पहुंचाया जा सके। ये लोग इस परियोजना का भरपूर फायदा उठा सके, इसके लिए इनको समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के साथ साथ इनको खरगोश, पिंजरे, खरगोशों के लिए खाने पीने के बर्तन, चिकित्सा और दवाइयां आदि मुहैया कराई जाती हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो इस परियोजना में शामिल है स्वरोजगारी कहा जाता है। 10 या 20 स्वरोजगारियों को मिलाकर स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। इन स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक स्वरोजगारी को उनके हिस्से का काम बांट दिया जाता है। कोई खरगोशों की देखभाल करता है जबकि कोई कताई बुनाई का काम देखता है। जो लोग कताई बुनाई नहीं जानते उनको बना हुआ माल सप्लाई करने या बेचने का काम सौंपा जाता है। इनके बनाए माल में स्वेटर, चादर और मफलर शामिल हैं। हाई फीड विभाग वाले इनकी इस काम में भी मदद करते हैं। हाई फीड विभाग में इनको कताई बुनाई से लेकर रंगाई और डिजाइनिंग तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग ने तैयार माल को खरीदने का भी इंतजाम किया है, जिसके बदले इनको नकद भुगतान कर दिया जाता है। ऊन का भाव जहां 700 रुपए प्रति किलो है, वहीं धागे का 1100 रुपए प्रति किलो, जबकि एक खरगोश 500 रुपए में बिकता है। कुछ लोग ऊन भी बेच लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऊन का धागा बनाकर बेचते हैं, लेकिन ज्यादा कमाई खरगोश बेचने से ही होती है। ये हाई फीड संस्था जो है वो हमसे जब 5 महीने का बाद का बच्चा हो जाता है वो खरीद लेते हैं हमसे, क्योंकि वो और यूनिट बांटते हैं, इसलिए वो हमसे खरीद लेते हैं 500 के हिसाब से। तो आज हमारा जो ये विकास अंगोरा स्वयं सहायता समूह है, ये आज कम से कम इसने 3 साल में 4.5 लाख के करीब इसने उत्पादन कर दिया, और पर ईयर 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के बीच हम लोग उत्पादन करते हैं। और आज कम से कम ये है कि हम ये परियोजना जब से चली है तो हमारी जो ये 20 महिलाएं हैं, तो परियोजना तो हर समय हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन 20 महिलाएं अपना इस कारोबार को हमेशा चलाने में सक्षम होंगी। हाई फीड विभाग ने भेड़ों के चरने चराने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस परियोजना के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया। 3 साल की अवधि वाली इस परियोजना की लागत 9.5 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को बल तब मिला जब गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय इसका तकनीकी साझेदार बना। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 12,500 रुपए का अनुदान दिलाया जाता है, साथ ही उसे 12 खरगोश और रखरखाव की जानकारी के अलावा तमाम साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। हाई फीड विभाग ने अपने यहाँ एक हाईटेक प्लांट लगाया है। इस प्लांट में कार्डिंग, ब्लॉन्डिंग, वॉशिंग, डाइंग, फिनिशिंग से लेकर डिजाइनिंग तक सभी सुविधाएं नाम मात्र खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं। यहीं पर एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूनिट लगाया गया है जो ऐसे डिजाइन तैयार करता है जिसमें उत्तरांचल की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की झलक मिलती है। इनके बनाए गए माल की खपत आर्मी यूनिट्स के साथ साथ सारे देश में होती है। दिल्ली के कुछ एक्सपोर्टर्स इनसे माल खरीदते हैं। कई मरतबा ये लोग स्वयं प्रदर्शनियों और मेलों में अपने हाथ का बना माल ले जाते हैं।
इत्यादि तरह, जैसे मैं भी दिल्ली भी जाती हूँ, दिल्ली हार्ट हो गया, अभी आगरा ताजमहल से भी आ रही हूँ, आगरा ताजमहल भी दिल्ली हार्ट भी जाती रहती हूँ, देहरादून में हर जगह प्रदर्शनी में जाती हूँ, दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगेगी सब में भाग लेती हूँ। अभी तक जो 3 साल का हमारा अनुभव रहा है कि जितनी 350 यूनिट हमने इस्टेब्लिश किए हैं तो लगभग 25 लाख की इनकम टोटल अब तक हो चुकी है स्वरोजगारियों को, चाहे उन्होंने ऊन बेचा है या खरगोश बेचे हैं या ताजा बेचा है या उत्पाद बेचे हैं। अंगोरा ऊन विकास परियोजना ने गढ़वाल के लोगों का जीवन ही बदल दिया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से ये लोग सफलता और खुशहाली की नई कहानी लिख रहे हैं और भारत निर्माण में अपना योगदान देकर सरकार की सहायता भी कर रहे हैं।